हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द 16th चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ एनरिचिंग इंग्लिश रीडर बुक ऑफ स्टैंडर्ड 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द काइट्स। इट्स अ पोएम रिटन बाय डेफने लिस्टर। ऑल ऑफ अस एंजॉय फ्लाइंग काइट्स। हैव यू एवर विश्ड टू फ्लाई हाई अप इन द एयर जस्ट लाइक द काइट? लेट अस रीड अ पोएम एंड सी व्हाट अ चाइल्ड विशेस। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई like colored birds in the wind-whipped sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. The people below would stand and stare and wish they were me high, high in the air. ठीक है, आपने हम सबको पतंग उड़ती हुई देखते हैं, काइट्स उड़ती हुई देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना, सबको मजा भी आता है काइट्स उड़ाने में, पतंग उड़ाने में। क्या आपको कभी ये इच्छा हुई है कि आप पूरे एयर में, हवा में बहुत ऊंचे उड़ जाए काइट के जैसे? तो यह एक पोयम है जिसमें एक बच्चा, एक छोटा बच्चा विश कर रहा है, इच्छा रख रहा है कि वह भी आकाश में उड़े काइट के जैसे। वह क्या बोल रहा है? अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड व्हिप्ड स्काई। बोल रहा है कि ऊंचे हवा में बहुत ऊपर ऊपर जो है, मैं देखता हूँ कि काइट्स उड़ रही हैं, बहुत ऊंचे आकाश में काइट्स उड़ रही हैं। वो काइट्स किन के जैसे दिख रही हैं? क्योंकि काइट्स अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं ना, तो कोई कोई जो है बर्ड्स के शेप के भी बनाए जाते हैं। उसे कैसा लग रहा है कि कलरफुल बर्ड्स उड़ रही हैं, लाइक कलर्ड बर्ड्स उड़ रही हैं। कहाँ पे? इन द विंड व्हिप्ड स्काई। विंड व्हिप्ड स्काई क्या होता है? ऐसा आकाश होता है जिसमें शार्प विंड्स फ्लो करें, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं ऊंचे आकाश में, उसको विंड व्हिप्ड स्काई बोलेंगे। ठीक है, उसको लग रहा है कि वो ऐसे ही आकाश में कलर्ड बर्ड्स उड़ रही है जब वो काइट्स को देखता है। आई विश आई वुड स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। यह लड़का क्या विश कर रहा है, ये छोटा बच्चा, कि मैं बहुत ही छोटा होता तो काइट के ऊपर ही चढ़ जाता, काइट के ऊपर चढ़ के मैं उस पर बैठ जाता या लेट जाता, और मैं बिल्कुल हल्का होता, हवा के जैसा हल्का होता, तो मैं एक काइट के ऊपर बैठ जाता और उड़ता उड़ता सेल करता हुआ वहां पे पहुंच जाता हूँ, बहते बहते उड़ते उड़ते मैं वहां पे पहुंच जाता ऊपर आकाश में। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मैं वो काइट पे बैठा रहता और काइट के जो कागज के पंख होते हैं, काइट के साइड साइड के जो उसके कागज के पंख जैसे होते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर जो है बैठा रहता और धीरे धीरे हवा का करंट, हवा का बहाव मुझे उड़ा उड़ा के आगे ले जाता और मैं वहां पे वो गाने सुनता जो कि यह जंगली हवा गा रही है, वाइल्ड विंड। मतलब वाइल्ड विंड क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस हवा को, तेज से बहने वाली हवा को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वह अपनी इच्छा से बह रही है तेजी से, धीरे से। यह एक जंगली विंड है, जिससे जंगली जानवरों को हम लोग डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते, पाल नहीं पाते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी तरह यह जंगली हवा है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वह अपने स्पीड से उड़ रही है, रुक रही है, उड़ रही है। तो बोल रहा है कि जब वह तेजी से उड़ रही है तो कुछ एक तरह का साउंड निकलता है, जब हवा तेजी से उड़ती है तो वही वाइल्ड विंड जो है वो गाना गाती रहती है, उसी गाना को मैं सुनता हवा में उड़ते उड़ते। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। बोलता कितना मजा आता कि मैं ऊपर से पूरा नीचे देखता, पार्क के ऊपर ऊपर उड़ रहा होता, पूरे पार्क को ऊपर से देखता और हमारे टाउन के, हमारे जो शहर के जो घर के छत है, रूफ टॉप्स है, छतों के ऊपर ऊपर को मैं देख पाता। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश देवर मी हाई हाई इन द एयर। जो नीचे खड़े लोग मुझे देखते रहते और मुझे घूर घूर के देखते रहते, स्टेयर करते रहते, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे देखते रहते वो लोग नीचे से, और उन लोग को भी इच्छा होती, उन लोग भी इच्छा करते हैं कि मेरे जैसे वह भी ऊंचे ऊंचे हवा में, ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ पाते, है ना? आप लोगों को भी ऐसा विश होता है कि हम हाई इन द एयर उड़े? सभी मनुष्य को विश होता है ना, सभी ह्यूमन बींग्स को ये फील होता है कि बर्ड्स जैसा हम भी उड़ते। इसीलिए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एरोप्लेन बनाया ताकि बर्ड्स के जैसा वह ऊपर आकाश में उड़ सके। पोएम अच्छा है ना, द काइट्स पोएम।
अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए। जिन्होंने आपके फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सारे जितने आपके लेसन है इस इंग्लिश रीडर बुक के, वो सारे लेसन का वीडियो देखने के लिए, उनका एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखने के लिए, और सारे लेसन के सोल्यूशन भी अवेलेबल है चैनल में, उनका सोल्यूशन देख पाएंगे, क्वेश्चन आंसर ग्रामर पोर्शन सब देख पाएंगे और सब उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे, इंजॉय करेंगे स्टोरी पढ़ना। और लेसन में जहां उनको डाउट होगा सोल्यूशन में, वो सारे क्वेश्चन आंसर को देख पाएंगे। अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए कि ये चैनल में इतने स्टोरीज है और क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व किया हुआ है। और जिन भी आपके फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबको ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल बटन भी प्रेस करिए, ताकि जो न्यू वीडियोज और आते रहेंगे आपको तुरंत तुरंत पता चलता जाएगा। ओके, एंजॉय रीडिंग, थैंक यू।